कैसे प्राप्त करोगे, ये एक सीरीज थी अभिक्रियाओं की। तो उसमें अब तक हम 15 रिएक्शन आपको बना चुके हैं, और ये 16, 17, 18, 19, 20 ये वाली रिएक्शनों को हम इस वीडियो में कराएंगे। एसिटिक अम्ल की मोस्टली रिएक्शन है, एसिटिक अम्ल से एसीटोन, एसिटिक अम्ल से एथिलेमिन, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड, एसिटिक अम्ल से एथिल एसिटेट और फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। क्योंकि इससे पहली वाली वीडियो में हमने एसिटिक अम्ल से फार्मिक अम्ल बताया था, तो अब के फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो पुरानी वाली रिएक्शन ही चलती है। देखो पहली वाली ये सोलेनी जो रिएक्शन है, पहले इसको समझते हैं। ये है आपका एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH, ये क्या है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। और आपको पता है एसिटिक अम्ल से हम डायरेक्टली एसीटोन तो नहीं बनाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं इसकी क्रिया NH3 से कराते हैं, तो CH3CONH4 बन जाता है। इसको बोलते हैं क्या, अमोनियम एथोनेट, अमोनियम एथोनेट ये बन गया। अब फिर इस CH3CONH4 को हमने क्या कर दिया, इसको गर्म कर देते हैं, तो हमारा क्या बन जाता है, यहां से देखिएगा CH3CONH2 बन जाता है। ये क्या बन जाएगा आपका, एसीटामाइड, एसीटामाइड बन गया। और यहां से देखिए CH3CO CH3CO NH2, यानी दो एच यहां से बचे, क्योंकि चार है यहां पर एच। ये तो पॉपुलर रिएक्शन है मोस्टली, इससे पहली वाली वीडियो में कई में आई थी, यानी हर बार लगभग आ ही जाती है किसी ना किसी में। अब यहां से आगे इससे होगा जो भी खेल होगा, CH3CO NH2, इसको हमने क्या कर दिया, इसको गर्म कर दो, इसको फिर से गर्म कर दो। जब इसको गर्म कर देंगे तो यहां से देखिएगा जल निकल जाएगा, H2O निकल गया, H2O। देखिएगा यहां से हमारा क्या है, एक ये H2 निकला, इसके साथ में मिलकर H2O निकल गया, तो बचा क्या, CH3CN बचा, यानी कि ये क्या बन गया, ये बना आपका मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड, मैथिल साइनाइड बन गया। अब इस मैथिल साइनाइड का है ये वाला, देखिएगा मैथिल साइनाइड CH3CN, मैथिल साइनाइड की क्रिया हम किससे कराएं, कि हमारा क्या बन जाना चाहिए, हमको चाहिए CH3COCH3 एसीटोन चाहिए, तो CH3COCH3 चाहिए, तो हम डायरेक्टली तो यहां से नहीं ला सकते, तो इसका क्या करो आप, ऐसा करिएगा NH2, यानी कि CH3NH2 ले आए तो ज्यादा बेटर रहेगा, C2H5NH2 ले आए तो कैसा रहेगा, तो यहां से हम ऑक्सीकरण इसका करा दें तो क्या बन जाएगा आपका, इसका ऑक्सीकरण हम यहां से करा देंगे C2 और H5NH2, यहां से हमने क्या करा दिया, इसका ऑक्सीकरण करा दो, तो C2H5NH2 ये आ जाएगा। तो इसके लिए हमने क्या करेंगे, देखिए एक यहां C2 ये आ गया, H3 है, 2H यहां से ले लेंगे, 5 हो जाएगा, यानी 2H कर देंगे, और 2H यहां पर, तो मतलब क्या 4H की आवश्यकता पड़ गई, 4H। देखिएगा C2 C और C C2 आ गया, यहां पे से 4H और 4 3 7, 5 और 2 7, ये हो गए N, ये रहा, तो ये क्या आ गया, एथिल एमीन आ गया, क्या बन गया ये आपका एथिल एमीन, एथिल एथिल एमीन बन गया। अब इस एथिल एमीन से हम आगे बढ़ा देंगे C2H5NH2, ये है। अब हम इसका क्या बना देंगे, हमको क्या चाहिए, CH3CONH2 चाहिए, तो CH3CO और CH3 ये चाहिए, ये आ गया। अब देखिएगा कुछ निकल रहा है, जो चीज निकाल लीजिए यहां से, क्या निकलेगा देखिए, अब C2 एक दो, यहां पे तो बड़ी दिक्कत हो गई भाई, HCN यहां से गड़बड़ कर दिया हमने इसकी, इससे यहां से थोड़ा सा चेंज करेंगे इस रिएक्शन को, यहां से नहीं, क्योंकि ये देखिएगा एक सेकेंड, इसको मैं देख लेता हूँ क्या थोड़ा सा बाई मिस्टेक, इसमें आपका सोलेमी रिएक्शन है ना, ये CH3CONH2CN हाइड्रोसाइनाइड, और हमको एथिल एमीन चाहिए था, अरे यार यहाँ आपको एथिल एमीन ही चाहिए था, ये गलत है, यहाँ पे एसीटोन नहीं, एथिल एमीन, एसिटिक अम्ल से ये वाली रिएक्शन हमने करा दी आपकी, देखिएगा
ये वाली रिएक्शन हो चुकी है, ये देखिएगा ये वाली रिएक्शन इसको कर लीजिए, ये 17वीं रिएक्शन कर लीजिए, 17वीं रिएक्शन है ये, एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन, ये वाली रिएक्शन हो गई, एसिटिक अम्ल से एथिल एमीन आपका बन गया। ओके, अब ये 16वीं रिएक्शन, भाई 16वीं रिएक्शन को हम यहां पर करा दे रहे हैं, 16वीं रिएक्शन देखिएगा, 16वीं है आपका CH3COOH है, इसकी क्रिया हम किससे कराएं कि CH3COCH3 आ जाए, CH3COCH3 आ जाए, तो बस C की आवश्यकता पड़ रही है CH3, तो हम यहां पर इसकी क्रिया किससे कराएंगे हम, तो अब हम क्या कर दें, हम इसका 2 गुणा कर देंगे और CaOH का 2 एसिटिक अम्ल से एसीटोन, देखिएगा बहुत ही प्यारी रिएक्शन आपकी बन जाएगी। पहले हम क्या कर ले, कैल्शियम एसीटेट, अब हम यहां से देखिएगा इसके लिए हम क्या करेंगे, हमको ये डबल चाहिए, डबल के लिए हम क्या करेंगे यहां पर CaOH का 2 इससे क्रिया करा दें हम यहां पर, तो बन क्या जाएगा, इससे क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा, इससे क्रिया कराएंगे तो हमारा बन जाएगा यहां पर आपका CH3COCOO का 2 CA, ये आ जाएगा CH3, मतलब ये जो है CH3 का 2 ये आ गया, CH3COOO का 2 CA आ गया, तो यहां से इतने का डबल करा है इसने, तो हमने यहां पर 2 की मल्टीप्लाई कर, 2 की मल्टीप्लाई कर दी, ये डबल आ गया। अब यहां से केवल 2H बचा, एक CA ये आ गया, यहां से केवल 2H बचा क्योंकि इतने का डबल तो यहां पर आ गया, H का डबल बच रहा है और यहां पर कितना है OH का डबल है, यानी OH वहां पर, OH का डबल वहां से बच रहा है, 2H यहां से है, तो अब ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, आपको पता है 2O है तो आपका निकलेगा क्या, यहां से H2O निकल जाएगा, और कितने H2O, 2H2O, 2H2O बन गए, ठीक है चलिएगा। अब ये रिएक्शन थोड़ा सा अजीब सा दिखाई दे रहा है, तो मैं यहां से लिख दे रहा हूं, ठीक है ऐसे लिख दो सिंपल तरीके से कि भैया CH3COOH की क्रिया हमने CaOH का 2 केवल OH का 2 से हमने कराई, तो हमारा क्या बन गया CH3COOH का 2 CA, ये बन गया CH3COOH का 2 CA बन गया, ठीक है ये। अब हमने क्या करा, क्योंकि हमको अब CH3COOH का 2 चाहिए, तो हमने यहां पे 2 की मल्टीप्लाई कर दी, तो यहां से क्या है, यहां से 2O बच रहे हैं, तो 2H2O निकाल लो, 2H2O निकाल दो, अब देखो रिएक्शन को संतुलित करो, CH3 का 2 CH3 का 2 यहां से केवल 2H बचे और 2H ये रहे, 2 और 2 4H, 4H ये आ गए, एक O है, 2 की मल्टीप्लाई 2O, तो 2 हो गई, तो ये कंप्लीट हो गई। अब ये देखिएगा CH3COO का 2 CA, इसका हमको क्या करें, गर्म कर दो, गर्म कर देंगे तो हमारा ये बन जाएगा आपका, देखिएगा CH3COCH3 बन गया। अब निकलेगा क्या, देखिए इस रिएक्शन को जरा ध्यान से देखो, इसका मतलब यही तो है CH3COCH3COO, यहां पे है CA, यही तो है। अब देखिएगा आपको दिखाई दे रहा है कि CH3CO ये आ गया, और यहां पे एक CH3 और आ गया ये वाला, तो ये मिलके बन गए CaCOO3, तो क्या निकल जाएगा CaCOO3, यानी CA कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ये निकल गया, बाकी ये आ गया, सुनवाई CH3CO एक CH3 ये आ गया, तो यहां से क्या बचा CH3CO एक बार आ गया, और फिर CH3COCOO है ना, तो CH3 एक और इस्तेमाल हो गया, तो यहां से क्या बचा, एक तो CH3CO लिया था, तो एक बार तो पहले O बचा और एक COO बचा, तो CaCO3 बचा और CA ये रहा, तो CaCO3, ठीक है। कुल मिला के बात ये, इसका मतलब ये 2 बार है और एक CA है, तो एक CH3CO और CH3 ये बन गया आपका COOO, यानी CO3 और CA ये रहा, तो CaCO3 निकल गया, तो ये बन गया आपकी रिएक्शन 16 में। चलिए 16-17 रिएक्शन हो गई, बहुत जल्दी कर लीजिए। अब देखिएगा अब आगे क्या आती है आपकी 18वीं रिएक्शन, 18वीं क्या है, एसिटिक अम्ल, यानी कि CH3COOH एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड चाहिए, एसिटिक अम्ल से क्या चाहिए, एसिटिल क्लोराइड चाहिए, तो आप क्या करो, यहां पे देखिए वैसे भी दिखाई दे रहा है आपका
यहाँ पे आप नॉर्मली देखा जाए तो इससे क्या कर दो, HCl की क्रिया करा दो तो CH3COCl आ जाएगा, ठीक है। और यहां से क्या है, ये OH इसके साथ में मिलेगा तो क्या बना लेगा, H2O बनाकर निकल जाएगा, काम खत्म, ठीक है। ऐसे बन गई आपकी रिएक्शन। और एक और चीज से आप बना सकते हैं, वैसे इतना छोड़ो, इतना ज्यादा आपको करने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। और आपका यदि और आपको चाहिए कि भाई हम एसिटिक अम्ल इससे याद नहीं कर पा रहे हैं, तो पुरानी वाली रिएक्शन हमने आपको बताई थी क्या, CH3COOH की क्रिया हम किससे कराते हैं, PCl5 से करा दो, PCl5 से करा देंगे तो CH3COCl ये आ गया, CH3COCl आ गया। और आपको पता है जो पी और ओ दिखाई देते हैं तो POCl3 ये निकल जाता है, फास्फोरस हाइपोक्लोराइड ये निकल गया, ठीक है, तीन। और आपको ये भी पता है कि H के साथ में Cl मिलेगा तो HCl निकल जाएगा, लेकिन अब देखेंगे हम क्या निकालेंगे। देखिए आपको पता है यहाँ पे पांच Cl है, इधर एक Cl ये गया, तीन Cl ये गए, तो एक Cl और निकाल दो, HCl निकल गया। अब देखिएगा CH3 आ गया, CO आ गया, यहां से एक Cl यहां पर आ गया, यहां से OH बच रहा था, एक O यहां पर आ गया, एक H ये आ गया, Cl कंप्लीट हो गई, कंप्लीट। या इस रिएक्शन को लिख सकते हो या ये रिएक्शन लिख सकते हो, आपकी इच्छा है। 19 देखिएगा, ये भी एसिटिक अम्ल, CH3COOH, ठीक है, CH3COOH की क्रिया एथिल एसीटेट बनाना है ये वाला। तो इसके लिए अब हम क्या करें, CH3COOH2H5 चाहिए, CH2H5OH से क्रिया कराएं, OH समूह उसका निकलेगा, देखिएगा इसका नॉर्मली देखा जाए CH2H5OH से क्रिया करा दो तो आपका क्या बन जाएगा, CH3COC2H5 ये बन गया, C2H5 हमारा यहां पर जुड़ गया, ठीक है, COOC2H5। तो यानी यहां तक तो ये आ गया और ये वाला यहां पर आके जुड़ गया, यहां से OH निकला, H यहां से निकला तो H2O निकल जाएगा, काम खत्म, ठीक है। और भी बहुत सारी रिएक्शन बहुत होती हैं, जो आपको अच्छा लगे वो कर सकते हो, लेकिन सिंपल तरीके से आप कर लीजिए, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब आगे की 20वीं रिएक्शन थोड़ी बड़ी है, उसको समझते हैं, पहले इसको कर लीजिए यहां तक, ठीक है, 20वीं रिएक्शन को आप करते हैं, ठीक है। 20वीं रिएक्शन देखिएगा, फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल चाहिए, ठीक है, आपका फार्मिक अम्ल से एसिटिक अम्ल, कैल्शियम फार्मेट बनेगा, फिर आपका HCHO फार्मेल्डिहाइड बनेगा। ये तो बहुत लंबा जा रही है रिएक्शन, देखिएगा सबसे पहले हमने क्या लिया, आपका फार्मिक अम्ल लिया HCOOH, ये क्या है, फार्मिक अम्ल, फार्मिक अम्ल की क्रिया हमने किससे कराई, आपका CaOH का ट्वाइस इससे करा दी, तो हमारा क्या बन जाएगा, कैल्शियम फार्मेट, CHCOO का ट्वाइस CA, ये बन गया कैल्शियम फार्मेट, ये क्या है आपका, कैल्शियम फार्मेट ये बन गया आपका, और ये क्या है आपका, फार्मिक एसिड है, ये बन गया, निकला क्या, देखिएगा HCOO का ट्वाइस, तो यहां पे दो की मल्टीप्लाई कर देंगे, HCOO का ट्वाइस, तो आ गया H बचा, तो H का डबल यानी दो H बचे, एक CA यहां पर आ गया, दो H यहां से मिलकर क्या बना लेते हैं, H2O बना लेते हैं, ये अभी सिखाया था आपने, दो H2O, कितने, दो H2O, इससे पहली वाली रिएक्शन में भी ऐसा ही हुआ था, अभी वाली में, ठीक है। अब इसका HCOO का ट्वाइस CA, इसकी क्रिया हम किससे करा रहे हैं, आपका इसकी क्रिया हम करा दें आपके, अब इसको गर्म कर दो, इसको गर्म कर देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जैसे कि इसको गर्म कर देंगे तो HCHO बन जाएगा, इसको गर्म कर दिया और CaCO3 निकल जाएगा, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था HCOO के साथ में CA जुड़ा हुआ है, तो देखिए HCHO यानी H और
CHO यानी ये निकल गया, इतना कितना निकल गया आपका HCHO, ये निकल गया, CaCO3 निकल गया, ये बचा, ये निकल गया आपका, और ये क्या है आपका फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड बन गया ठीक। अब देखिएगा आपका फॉर्मेल्डिहाइड HCHO की क्रिया अब हम किससे कराएं कि अब फॉर्मेल्डिहाइड की क्रिया फॉर्मेल्डिहाइड से आपका क्या बनाना पड़ेगा HCHO का करा दो आप अपचयन, अपचयन कराकर यहां पे बन जाएगा आपका CH3OH फॉर्मेल्डिहाइड HCHO ठीक है। यहां पे देखिए कितने सी है, यहां पर कितने एच है, एक और एक दो और एक तीन है, इधर कितने तीन और एक चार, सी कितना एक सी, ओ बराबर है यानी कि एक एच इधर एक्स्ट्रा करना है, तो यहां पर हम क्या करेंगे दो की मल्टीप्लाई करेंगे सी एच। अब सी एच थ्री ओ एच यानी ये मैथिल एल्कोहल है, ये क्या है मैथिल एल्कोहल। अब इस मैथिल एल्कोहल की क्रिया हम क्या करा रहे हैं पीसीएल फाइव से करा रहे हैं, तो आपको पता है मैथिल क्लोराइड बन जाता है, और यहां से P दिखाई दे रहा है तो और O दिखाई दे रहा है तो POCl3 बनेगा, और देखिएगा एक Cl और तीन ये चार Cl, एक Cl बच रहा है एक्स्ट्रा, एक H भी एक्स्ट्रा बचेगा, तो H के साथ में Cl मिलकर HCl बना लेगा। अब देखो जरा कंप्लीट करो रिएक्शन को, इधर C कितने एक है, इधर भी C एक है, इधर P कितना एक है, इधर भी P एक, क्योंकि इधर वाली चीज इधर काउंट होती है। Cl कितने पांच है, इधर कितने एक और एक दो और तीन पांच हो गए, H देखो तीन और एक चार है, इधर तीन और एक ये चार बराबर होगी रिएक्शन। अब यहां से आगे यानी CH3Cl की क्रिया हम किससे कराएं, अब ये आगे हमको क्या चाहिए, ऐसा करो यहां से हाइड्रोजन साइनाइड KCN से करा दो, किससे KCN से करा दो, तो यहां से बन जाएगा आपका CH3CN बन जाएगा ठीक है। Cl ये साइनाइड समूह यहां पर जुड़ जाएगा, K इसके साथ में मिलकर KCl निकल जाएगा। अब ये CH3CN की क्रिया हम करा दें जल से, इसमें जल मिला देंगे तो हमारा बन जाएगा CH3, और हमको बनाना क्या था ये बनाना था CH3COOH, ये तो पुरानी रिएक्शन है एसिटिक अम्ल हाइड्रोजन साइनाइड वो मैथिल साइनाइड से CH3COOH बन गया CH3, ये आ गया C, ये आ गया। अब यहां से देखिएगा ये आपका H2O था, यहां पे दो O की आवश्यकता है तो दो O की मल्टीप्लाई कर दी तो दो O ये आ गए। देखिए C, देखिए आप देखो जरा ध्यान से देखोगे अब तो आपको यहां पर दिखाई देगा CH3C आ गया, दो O की मल्टीप्लाई हो रही है तो दो O O O ठीक है, एक अब दो O बराबर हो गए, एक H यहां पर आ गया, तो यहां से क्या बच रहा है, यहां से बच रहा है आपका तीन सी, क्योंकि दो दूनी चार, चार एच थे जिसमें से एक एच यहां पर आ गया, तो तीन तो एच बचे और एक एन भी बच रहा है, तो एन के साथ में तीन एच मिलकर क्या बना लेंगे एन एच थ्री अमोनिया गैस निकल जाएगी आपकी। देखो बराबर हुई ना, एक एन है इधर तो एक एन इधर है, एक सी दो सी, एक सी एक सी दो सी, इधर दो दूनी चार और तीन सात हाइड्रोजन परमाणु, इधर कितने हैं तीन और एक चार और तीन सात हो गए, लो बराबर बन गया। तो यही है आपका क्या है एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड बन गया ठीक है। अब देखिए इसमें भी देखिए मैथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल ये बन गया ठीक है, और फॉर्मिक अम्ल से फॉर्मेल्डिहाइड ये बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड से मैथिल एल्कोहल ये बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल ये बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड से आपका मैथिल साइनाइड ये बन गया। तो मतलब बहुत सारी रिएक्शन आप इनको करते रहोगे तो सारी चीजें आपको याद हो जाएगी ठीक है। फॉर्मेल्डिहाइड से मैथिल एल्कोहल बन गया, फॉर्मेल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बन गया, इस तरह से आपकी रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन कुछ कॉमन है जो आपकी लगातार चलती ही रहती है चलिए ठीक है। तो ये 20 रिएक्शन हो गई, 20 से आगे की रिएक्शन वो भी मैं अभी करा रहा हूँ आपको, वीडियो अभी बना दूंगा, पब्लिश आपको 2 घंटे बाद मिल जाएगी ठीक है। लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ओके।